गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। आखिरकार मैं पूरा सब तरफ घूम के अपने मायके पहुंची हूँ और आज मेरे हस्बैंड भी निकल गए ज्वाइन करने के लिए मुंबई। उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अब सेटल हो रही हूँ, है ना। तो अभी भी बहुत सारे काम है और मैं उस काम के वजह से वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ, बना नहीं पा रही हूँ, सॉरी। पर दूंगी, मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी। और मेरे दोनों बच्चों के एडमिशन वगैरह करानी थी, तो छोटी वाली की तो एडमिशन हो गई और एक बच्चा है मेरा बेटा, जो उसका भी 28 को टेस्ट है, तो देखिए क्या करता है। टेस्ट अगर क्वालिफाई कर जाएगा तो दोनों बच्चे मेरे एक ही स्कूल में जाएंगे और मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और मेरा बेटा, जैसा कि मैं उसे बताई हूँ और शुरू से ही उसमें भी इंटरेस्ट वो खुद ही लेता है, तो नहाकर वो रोज़ सुबह पूजा करना ही करना, बिना पूजा किए वो रहता नहीं है। और मैं दिखा रही हूँ, वो अभी भी मंदिर के अंदर खड़ा है, वो अपना काम कर ले रहा है। मैं दिखाती हूँ, ये मेरे मायके का मंदिर है और मतलब मैं बचपन से यहाँ पे, माता रानी का मंदिर है और पूजा पाठ होती रहती है, घर का मंदिर है। ये देखिए, ये है शीतला माता की मंदिर है, 9 माता विराजमान है यहाँ पे और बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं इनकी। तो पंडोखर सरकार जो धाम है वहाँ पे लोग जाते हैं, है ना। बहुत लोगों का यह कहना है, बहुत लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारा काम वहाँ नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है वो तो वही बता सकते हैं। मुझे जो जानकारी होती मैं सिर्फ वही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल बात है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं मतलब अपने भाई के लिए दिखाई हूँ और भाई की स्थिति और मतलब बदतर हो चुकी है ना। मतलब बोला जाता है ना कि परेशानियाँ और बढ़ रही हैं, तो और लोग भी बोल रहे हैं कि वहाँ से दिखाने के बाद परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तो उसके पीछे भी हो सकता है कोई लॉजिक हो, लेकिन देखिए मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी, अभी तक मेरी पाँच अमावस्या नहीं हुई है और 5 अमावस्या तक, हवन तक मैं इंतज़ार करूँगी। विश्वास के साथ सब कुछ हो रहा है, कर रही हूँ, है ना। और जो गलतियाँ अगर हो रही होंगी तो वो गुरुजी ज़रूर बताएंगे हमें। और जहाँ तक उसकी बात है, मतलब उसके विषय में बताया गया, वो जो डेट मिला है वो 6 साल का डेट मिला है, मतलब 6 साल के अंतर ये सारे कार्य होंगे, मतलब 6 साल के अंदर ही जो भी कष्ट है वो दूर होंगे। तो अब इसके आगे क्या बोलूँ मैं, क्या कर सकती हूँ तो नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि परेशानियाँ बढ़ रही हैं। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि मतलब हाँ, जाने के बाद वहाँ परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हमारी, हो सकता है हमारी परीक्षा हो, है ना, इस परीक्षा में हम पास कर जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सारी बातें भी चल रही हैं। और इस इधर पिछले वीक में मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई, उसका कारण ये है कि मैं वीडियोस बनाने में मेरे मतलब कोई भी हेल्पर नहीं है और ना ही कोई मेरे पास अभी साधन है। तो जो भी होता है, अभी तो टूर ही चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर घूम ही रही हूँ, है ना। और 2 बच्चे हैं साथ में, तो उसको संभालते हुए वीडियोस बनाना और सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे को मतलब ध्यान देना जरूरी है ना, बच्चे इधर भागते उधर भागते हैं, है ना। तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं, तो इस कारण से नहीं दे पाई आप लोगों को ज़्यादा वीडियो में। होली में तो जो भी थोड़ा बहुत दे पाई, क्योंकि सबको पता है ससुराल गई थी, तो ससुराल में थोड़ा, है ना, मैं अगर वीडियो ही बनाती रहूँगी तो काम कब करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके लिए सॉरी। और कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाती रहूं, पंडोखर धाम की भी, अलग अलग जगहों की भी और अपने खुद की ब्लॉग्स की भी।
तो इतना ही बोलूंगी कि मेरे वीडियोस को आप लोग ढेर सारा प्यार देते रहें ताकि मैं आगे बढ़ूं इस पे। जय श्री राम।